इसको कहाँ है दरबार में। उसके चलते फिर हमने यासिर भाई के ज़रिए ये जो शाही देख का इंतज़ाम किया है, इसके अंदर 1000 किलो के चावल, 1000 किलो के शक्कर, 2.5 किलो का ड्राई फ्रूट, 120 किलो का गाय का असली घी और बाकी जो भी फ्रूट्स वगैरह है सब डाल के शाही देख का इंतज़ाम करे हैं। तो उसके साथ में हमारे अली बुजाना साहब और अली अब्बास साहब और गौस गजनवी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इसमें, और जो भी ये काम हो रहा है उसके पीछे हमारे यासिर गुरदेवी साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उनकी वजह से सब काम हो रहा है। गेस्ट याकूब ख्वाजा साहब की जो है मन्नत पूरी हुई, जिसकी उन्होंने मेरे से कहा कि एक अजमेर में दिल की मन्नत थी उसे मेरे को पकाना है, तो मैंने कहा पकाना तो है और उसको इस तरह से पकाएंगे कि इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग देखें कि ये शाही देग किस तरह से बनती है, क्योंकि हुजूर ख्वाजा अली नवाज़ के दरबार की ये वो देग है, तो पकनी भी वैसी चाहिए और उसका जो खाना है, जो डिलीशियस फूड है, उसको इसी तरह से तकसीम करना चाहिए। तो इसमें 5000 किलो खाना बनेगा, 25000 लोग खाएंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह हम जो तकसीम करेंगे दरबार शरीफ के अंदर, तो यहाँ से जो 4000-8000 जो प्याले बनाएंगे जिसके ऊपर चांदी के वरक लगाए जाएंगे, उसके साथ हम ना उन आशिक ख्वाजा को तकसीम करेंगे और उसको खा के वो लोग माशाल्लाह जो है ये कहेंगे कि इस तरह की देख शायद पहले कभी नहीं खाई होगी। इसमें 2000 किलो ड्राई फ्रूट डल रहा है, 120 किलो जो है असली घी और 1000 किलो चावल, 1000 किलो शक्कर, और माशाल्लाह ये देख अभी सजाई जा रही है, देख रहे हैं अभी भी काम चल रहा है और ये अभी 1 घंटे में उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला ये शुरू हो जाएगी। ये हमारे जो है याकूब भाई जो हैदराबाद से आए हैं।